नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मिल्खा द ग्रेट और ये रेस ट्रैक, वो जब भी इस पर होते पूरी दुनिया सांसें थामे उन्हें देखा करती थी। वो हिंदुस्तान की शान थे, वो हिंदुस्तान की जान थे। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे, एक जिंदा दिल इंसान। संघर्ष से भरे सफर में जिसने रेस के ट्रैक पर भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली, जिन्हें आज चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ शाम 5 बजे अंतिम विदाई दी गई। लेकिन मिल्खा सिंह अपने पीछे वो तमाम सुनहरी यादें छोड़कर गए हैं जो ये देश कभी नहीं भूलेगा। खेल के मैदान पर बुलंदी हो या फिर जिंदगी जीने की प्रेरणा, मिल्खा सिंह मिसाल का दूसरा नाम थे। वो मिल्खा द ग्रेट थे। जिसके पैरों की रफ्तार तालियों की गूंज में तब्दील हो जाती थी, आज वो खामोश है। थम गई वो रफ्तार जिस पर हिंदुस्तान को नाज था। ठहर गई वो दौड़ जिसके आगे मील के पत्थर छोटे पड़ जाते थे। खत्म हो गई गुर्बत से बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाले मिल्खा सिंह आज खामोश हैं। मिल्खा सिंह, इन दो शब्दों में एक जिद थी, जुनून था, दुनिया को मुट्ठी में करने का जज्बा था। मिल्खा सिंह, इन दो शब्दों में एक सपना था, हिंदुस्तान के झंडे को मैदान में सबसे ऊपर देखने का। ये दुनिया छोड़ने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि कोई ना कोई ऐसा हिंदुस्तानी यहीं से उठना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आगे बढ़ के जो मेरा सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करे, देश के लिए गोल्ड मेडल ले, और हमारा तिरंगा झंडा जिसके लिए के लोगों ने जाने कुर्बान कर दी, वो जाके ओलंपिक खेलों के अंदर। मिल्खा सिंह, एक संघर्ष की कहानी, बंटवारे की त्रासदी से लेकर रेस के ट्रैक तक का सफर। कामयाबी की ऐसी कई कहानियां हैं जिनके नायक मिल्खा सिंह रहे। ऐसे कई मौके, ऐसे कई लम्हे भारत माँ के इस सपूत ने देश को दिए, जब गर्व से पूरे मुल्क का सिर ऊंचा हो गया। जिन्हें आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में मिल्खा सिंह ने 18 जून की रात अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी दोनों कोरोना के चपेट में आ गए। 30 मई को मिल्खा सिंह अस्पताल से घर आ गए। 3 जून को तबीयत बिगड़ी तो उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 13 जून को पत्नी निर्मल दुनिया छोड़ गई और 18 जून को मिल्खा सिंह भी नहीं रहे। खेल के मैदान का शेर अलविदा कह गया, प्रेरणा, जुनून और जिद का एक अध्याय खत्म हो गया। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खेलों, खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। मैदान पर एक युग का अंत हो गया जिससे जुड़ी हर किसी की अपनी यादें हैं। When you see how down to earth, how humble, how loving, how warm, how no matter how busy he may actually be, that he will take time to sit with everyone for those 4 minutes, 5 minutes, and ask them about their lives. And he's interested in people, and he was touching everybody's life in a very, very special way. So that was it was really good to see that side of him. गोल्फ जब उन्होंने शुरू की तब भी मेरी उनके साथ मुलाकात होती रही, क्योंकि मेरे फादर और मैं बड़े उनके फैन थे, और मेरे फादर चाहते थे कि मैंने एथलेटिक्स इसलिए चूज की थी जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता था,
कि मैं मिल्खा सिंह जैसा एक महान एथलीट बनूंगा, ये मेरे फादर का भी ड्रीम था। चलते चलते जिंदगी में भाग मिल्खा भाग पिक्चर आई, जहां पर उनकी तमाम कहानी जो उन्होंने सुनाई, तो हर कहानी को हर पन्ने को जब भी पढ़ता हूँ आज भी तो आंख से आंसू टपक पड़ते हैं। वो फ्लाइंग सिख थे, वो अब यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे, इन तस्वीरों में मुस्कुराएंगे और जब भी याद आएंगे गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। रेस का ट्रैक जिसमें मिल्खा सिंह शान से दौड़े, हर दौड़ में तिरंगा लहराया, पूरी दुनिया ने मिल्खा का दम देखा। एक सपना था, एक जुनून था, देश का नाम रोशन करने का। मुकाबले से मुंह मोड़ना मिल्खा सिंह ने सीखा ही नहीं था। अब हम मिल्खा सिंह के उन मुकाबलों की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने मिल्खा को जमीन से उठाकर सफलता के शिखर पर खड़ा किया। और फिर लाहौर का मुकाबला भला कौन भूल सकता है, जब मिल्खा ने रेस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिल भी जीता। The German Kinder, India's Milka Singh and South Africa's Spence are off like bullets. 1960 का रोम ओलंपिक, 1958 का राष्ट्रमंडल गेम्स, 1958 का टोक्यो एशियाड, 1962 का जकार्ता एशियाड, सफलता के सुनहरे अध्यायों से भरी है मिल्खा सिंह की पूरी जीवन यात्रा। इस सफर का सबसे बड़ा पड़ाव रहा 1960 का रोम ओलंपिक, जहां मिल्खा ने अपने हुनर और अपने हौसले से दुनिया को अवाक कर दिया। इटली की राजधानी रोम समर ओलंपिक 400 मीटर की दौड़, मिल्खा सिंह भाग रहे हैं। 200 मीटर तक मिल्खा सिंह सबसे आगे, लेकिन फिर एक चूक, पीछे मुड़कर देखने की वो गलती। मिल्खा सिंह पदक से चूके, लेकिन चूक कर भी चमक बिखेर दी। 1954 से 1962 तक मिल्खा सिंह ने पदकों की झड़ी लगा दी। ट्रैक पर उनके उतरने का मतलब पदक की गारंटी बन गया था। वो 60 के दशक का भारत था, संसाधनों के संकट से जूझता भारत, लेकिन जब इरादा बुलंद हो और हौसला फौलादी हो तो मंजिल दूर कहां रह जाती है। 1958 राष्ट्रमंडल गेम्स में गोल्ड मेडल, 440 गज की दौड़ में सबसे आगे। 1958 टोक्यो एशियाड में डबल गोल्ड, 400-200 मीटर में नया रिकॉर्ड। 1962 जकार्ता एशियाड में डबल गोल्ड, 400-400x400 रेस में गोल्ड मेडल। देश हो या विदेश, मिल्खा सिंह तहलका मचाते रहे, अपनी तेजी के तिलस्म से दुनिया को दंग करती रही। लेकिन उन्हें हमेशा ये अफसोस रहा कि तरक्की करने के बाद भी भारत ट्रैक एंड फील्ड में कामयाब क्यों नहीं हुआ। जिस जमाने में मैंने दौड़ना शुरू किया 1951 के अंदर, उस जमाने में ना तो कोचेज थे, ना ही स्टेडियम थे, और ना ही पैसा था इतना स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, और हमें ट्रैक सूट का भी मालूम नहीं था कि ट्रैक सूट चीज़ क्या होती है। मगर आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि कोचेज हमारे पास 27,000-28,000 कोचेज हैं, स्टेडियम्स हैं, पैसा है, हर फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। मगर मैं ये महसूस करता हूँ कि सिंसेरिटी नहीं है और हार्डवर्क नहीं है। जिस दिन सिंसेरिटी और हार्डवर्क आ जाएगा, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी आदमी को रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। मिल्खा के करियर का बेहद फख्र करने वाली कामयाबी रही पाकिस्तान के इंटरनेशनल इवेंट में उनका पदक जीतना। इस दौर से एक यादगार कहानी जुड़ी है। मिल्खा पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, विभाजन के दर्द का सामना नहीं करना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू की इच्छा कुछ और थी। मिल्खा पाकिस्तान गए और फिर लाहौर की इस रेस में अपना लोहा मनवाया। मिल्खा सिंह ने पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक को धो डाला। मिल्खा की तेजी देखकर लाहौर के उस स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया था। तब पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि आप दौड़े नहीं, उड़े।
पाकिस्तान की ये जीत मिल्खा सिंह के दिल में हमेशा दर्ज रही। एक इंटरव्यू में मिल्खा ने इस रेस के बारे में विस्तार से बताया। ये दुनिया छोड़ने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि कोई ना कोई ऐसा हिंदुस्तानी यहीं से उठना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आगे बढ़ के जो मेरा सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाया उसको पूरा करे, देश के लिए गोल्ड मेडल ले, और हमारा तिरंगा झंडा जिसके लिए के लोगों ने जाने कुर्बान कर दी वो जाके ओलंपिक खेलों के अंदर लहरा। पाकिस्तान के उस मुकाबले ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बना दिया था। आज वो फ्लाइंग सिख अपनी आखिरी उड़ान पर निकल चुका है। अलविदा मिल्खा सिंह। कि जब डाली मैंने अपने गुनाहों पे नजर, जब डाली मैंने अपने गुनाहों पे नजर, दुनिया में मुझे कोई भी गुनाहगार ना लगा। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।